नमस्कार दोस्तों, मैं कुबेर पाटीदार और मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से आप देखेंगे मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले मित्रों। अगर आप मोबाइल में अपना वीडियो चला रहे हो तो मोबाइल में यहाँ पर ये मेरा वीडियो चल रहा है, आप आसानी से यहाँ पर ये सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, इसको आप आसानी से सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप कंप्यूटर पर वीडियो चला रहे हैं तो यहाँ पर ये कंप्यूटर पर वीडियो जो मेरा चल रहा है यहाँ पर ये सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, इसको आप आसानी से सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर ये सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद में ये आप सब्सक्राइब मेरे चैनल को आसानी से कर सकते हैं। पहले से अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अपन अभी देखेंगे कि एक बहुत ही मैसेज एक चल रहा है जो बहुत हाईलाइट है कि शाला दर्शन पर जो आंगनवाड़ी समन्वय इनके लिए एक मैसेज चल रहा है अभी, तो उसके अंतर्गत अपन ने इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि आंगनवाड़ी समन्वय में किस तरह के आंकड़ों को फिल करना है। तो आइए देखते हैं अपन। अब यहाँ पर स्कूल लॉगिन में आंगनवाड़ी समन जो स्कूल के लास्ट जो ऑप्शन है एंट्री, यहाँ पर ये दर्शाया गया है कि आंगनवाड़ी समन्वय, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने ये होम पेज खुल जाएगा जिसमें समन्वित होने वाली आंगनवाड़ी के प्रथम तीन अक्षर अंकित करने हैं आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है समन्वित होने वाली, यानी कि अपने स्कूल रेडियस के 500 मीटर के दायरे में अगर आंगनवाड़ी है तो इसको आपको फिल करना है। इसमें यहाँ पर आंगनवाड़ी के जो अपने अंतर्गत आंगनवाड़ी है उसके प्रथम तीन आंकड़े यहाँ पर फिल करेंगे, उसके बाद में सेक्टर सुपरवाइज़र का जो भी नाम है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर गो बटन पर आप क्लिक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आंगनवाड़ी का नाम है, जैसे अपन ने तीन अक्षर लिखने हैं यहाँ पर, तो BAS लिख दिया और एंटर करते ही यहाँ पर आपके सामने आंगनवाड़ी के सारे नाम जितने भी हैं वो खुलकर सामने आ जाएंगे और सीधा यहाँ पर गो बटन पर आपको क्लिक करना है। वो ऑटोमेटिकली आंगनवाड़ी जो भी होगी वो आपके रजिस्टर्ड इसके अंतर्गत आ जाएगी। तो इस तरीके से आप आसानी से आंगनवाड़ी का चयन भी कर सकते हैं। गो बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। होम पेज में आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि आंगनवाड़ी समन्वय की स्थिति, यानी कि एक विकल्प का चयन करना है केवल। इसमें चार विकल्प दिए हुए हैं जैसे आंगनवाड़ी वर्तमान विद्यालय परिषद में संचालित है, या आंगनवाड़ी वर्तमान में विद्यालय परिषद में संचालित नहीं है किंतु विद्यालय के स्थानांतरित कर संचालित की जानी है, और आंगनवाड़ी यथावत संचालित रहेगी किंतु विद्यालय प्रशासन नियंत्रण में रहेगी, और चौथा ऑप्शन जो है आंगनवाड़ी विद्यालय में 500 मीटर के अंदर है किंतु विद्यालय के साथ समन्वित प्रस्तावित नहीं है। तो इसमें से आपको केवल एक ऑप्शन का यहाँ पर क्लिक करना है, टिक करना है, चुनना है, और यहाँ पर जो है आंगनवाड़ी को यथावत संचालित करने का कारण कि बिकॉज अगर आपको इस ऑप्शन को टिक करेंगे या इस ऑप्शन को टिक करेंगे तो यहाँ पर आपको उसका उत्तर प्रत्युत्तर दर्शाना है। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ आंगनवाड़ी यथावत संचालित रहेगी परंतु विद्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेगी, यानी कि आंगनवाड़ी हेतु कक्ष उपलब्ध नहीं है, है ना। तो इस तरीके से उसके बाद में यहाँ पर आंगनवाड़ी में वर्तमान में नामांकन 3 से 6 वर्ष, यानी कि आंगनवाड़ी पूर्व प्राथमिक पाठशाला में ECC के लाभान्वितों की संख्या, और यहाँ पर बालक बालिका कुल कितने हैं, और यहाँ पर ECC प्रभारी का नाम शो करना है, और यहाँ पर ECC प्रभारी का मोबाइल नंबर, जो आंगनवाड़ी जो प्रभारी यानी कि स्कूल का अध्यापक हो सके है उसका नाम लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर ऊपर जो भरोगे चॉइस करने के लिए उसमें ऑटोमेटिकली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का नाम और उस आंगनवाड़ी का नाम भी यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से मित्रों आप यहाँ पर आपको आंगनवाड़ी की जो जानकारी है वो यहाँ पर फिल करनी है तो आप आसानी से इसमें फिल कर सकेंगे। ओके, मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले मित्रों मेरे नए वीडियो है तो, और अगर आपने पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको।